गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार खत्म होने के आखिरी दिन राज्य में जबरदस्त सियासी ड्रामा हुआ। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच बताए जाने के 6 घंटे के भीतर पार्टी ने मणिशंकर अय्यर को पार्टी से निलंबित कर दिया और उनकी प्राथमिक सदस्यता भी खत्म कर दी गई। लेकिन इससे पहले कांग्रेस के भावी अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरे मामले में कूदकर मणिशंकर अय्यर से उनके शब्दों के लिए माफी मंगवाई। मणिशंकर अय्यर ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा, हाँ मैंने नीच शब्द का इस्तेमाल किया, मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, मैं अपने मन में पहले अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, मैंने अपने मन में दिस लो पर्सन का अनुवाद किया, अगर नीच का अर्थ कुछ और है तो मैं माफी मांगता हूँ, मेरे साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री की भाषा कांग्रेस नेताओं के लिए अच्छी नहीं है। अय्यर ने सफाई देते हुए एक नहीं बल्कि 6 बार माफी मांगी। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।